Consolidated Revised Tax Invoice, CRTI, Consolidated Revised Tax Invoice. क्या होता है Consolidated Revised Tax Invoice? Let's say ये है Mr. X, ये Mr. X है, इनका turnover, चलिए अमित ही ले लेता हूँ, ठीक है, वही वाला example जो हमने लिया था, ये अमित है, ठीक है, अमित is a supplier and he is based in Delhi, ये Delhi में based है, ये Delhi में based है, 1 अक्टूबर को इनका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया था, तो 1 अक्टूबर को ये लायबल हो गए थे, बट इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा 25 अक्टूबर को और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको मिला 28 अक्टूबर को. सबको डेट समझ में आ गई, मैंने तीन डेट्स ली, 1 अक्टूबर जिस दिन ये लायबल हुए, 25 अक्टूबर जब इन्होंने अप्लाई करा, एप्लीकेशन दी कि मुझे रजिस्टर कीजिए, 28 अक्टूबर जिस दिन इनको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ. तो हमारा टाइम लैग कौन सा होता है, सो फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, इस बीच जो हमने सप्लाई करी, ठीक है, इस बीच जो हमने सप्लाई करी, तो हम इनकी बातें मानते हैं, इस बीच जो इन्होंने सप्लाई करी, इन्होंने बहुत सारे लोगों को सप्लाई करी, बहुत अलग अलग लोगों को इन्होंने सप्लाई करी है, क्या हर एक को इंडिविजुअली हम रिवाइज करें उनका इनवॉइस? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो. यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखा जाएगा कि इन 28 दिन में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 28 अक्टूबर, ये पर्टिकुलर 28 डेज में इन्होंने सप्लाई किस किस को करी, ठीक है, ही इज बेस्ड इन दिल्ली, बेटा ये दिल्ली में बेस्ड है, ठीक है, इन सर इन्होंने सप्लाई करी, लेट्स से फर्स्ट केस में मिस्टर ए को, मिस्टर ए को सप्लाई करी, मिस्टर ए रजिस्टर्ड थे, मिस्टर ए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इन्होंने जितने भी अमाउंट के सप्लाई करी होगी, कम या ज्यादा, 50,000 से कम, 50,000 से ज्यादा, कुछ किसी भी अमाउंट से ज्यादा, इफ ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन तो इनको एक अलग से रिवाइज्ड इनवॉइस देना पड़ेगा. इन्होंने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी होंगी मिस्टर ए के साथ, बिकॉज मिस्टर ए इज अ रजिस्टर्ड रेसिपियंट, वो कस्टमर है इनके, रजिस्टर्ड है, उनको ITC चाहिए, तो इन्होंने 28 तारीख तक जो भी ट्रांजेक्शन मिस्टर ए के साथ की हैं, हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर सप्लाई के लिए एक रिवाइज्ड इनवॉइस सेपरेटली जाएगा, ठीक है. तो मिस्टर ए इज ऑल्सो अ दिल्ली बेस्ड गाय, ठीक है, वो भी दिल्ली में बेस्ड थे, तो इन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है, हर एक के लिए अलग रिवाइज्ड इनवॉइस, बिकॉज ए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड रेसिपियंट, सेपरेट इनवॉइस, ठीक है. दूसरी तरफ है मिस्टर बी, ठीक है, लेट्स से मिस्टर बी इज फ्रॉम कर्नाटका, मिस्टर बी कर्नाटका से हैं, प्लीज बताइए सप्लाई कैसी है, सर इंटर स्टेट. मिस्टर बी इज ऑल्सो अ रजिस्टर्ड पर्सन, मिस्टर बी भी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है. इन्होंने भी 3-4 ट्रांजेक्शंस करी थी इस पर्टिकुलर 28 डेज में, जितने भी अमाउंट की करी थी, बी भी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हैं, इनको हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग सेपरेट रिवाइज्ड इनवॉइस जाएगा, ठीक है. तो टू सम अप मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि अगर यहां पर अमित ने जो भी सप्लाई की है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, हर ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस दे, सेपरेट, कंसोलिडेटेड नहीं सर, सेपरेट, हर ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट. यहां तक क्लियर हो गया? तो चाहे हम सेम स्टेट में करें, चाहे हम अदर स्टेट में करें, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड था, यू हैव टू मेक अ सेपरेट रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस. क्लियर है? आगे बढ़े. ओके, थर्ड केस में, ठीक है, दूसरे केस में ये हैं सी डी और ई. सी डी और ई अलग अलग लोग हैं, तीनों ही अनरजिस्टर्ड. इन्होंने भी कोई सामान खरीदा था इन 28 दिनों में. सी डी और ई अलग अलग लोग थे. सी ने सामान खरीदा था 1 लाख का, ठीक है, सी डी और ई अलग अलग अमाउंट का इन्होंने सप्लाई सामान खरीदा था. ये सब तीनों कौन है? ये सब तीनों अनरजिस्टर्ड हैं. ये तीनों ही अनरजिस्टर्ड हैं और ये दिल्ली की स्टेट में ही थे. यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है. अमित दिल्ली से हैं, ये तीनों भी दिल्ली से थे, पर तीनों ही अनरजिस्टर्ड थे. सर इन सब के लिए
एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे दीजिए। इन सबको तो आईटीसी बुक ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। इन सब के लिए कंसोलिडेटेड दे दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। इन तीनों के लिए एक ही इनवॉइस इशू होगा, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। सर ये इनवॉइस किसको दें? सी को दें, डी को दें, ई को दें? बेटा किसी को ना दें, ये अमित अपने पास रखेगा, अपनी रिटर्न में शो करेगा कि मैंने कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करा है। प्रैक्टिकली ना तो वो सी को दिया जाएगा, ना डी को दिया जाएगा, ना ई को दिया जाएगा, अमित अपने पास रखेगा। बट जो सर ए रजिस्टर्ड था, बी कर्नाटक का रजिस्टर्ड था, उनको दे दिए जाएंगे रिवाइज्ड इनवॉइस, उनको प्रैक्टिकली दे दिए जाएंगे, आप ले जाइए इनवॉइस, ठीक है। नेक्स्ट केस में लेट से जी और एच, ये लोग जी और एच ये दोनों राजस्थान से थे। जी ने कोई सामान खरीदा था 1 लाख का, एच ने सामान खरीदा था लेट से 2 लाख रुपए का। ये लोग दोनों ही राजस्थान से थे। जी और एच अगर राजस्थान से थे, इनको अलग कंसोलिडेटेड इनवॉइस। सर दिल्ली वाले के साथ ही कंसोलिडेट कर दे? नहीं बेटा, हर स्टेट के लिए एक अलग सेपरेट कंसोलिडेटेड इनवॉइस, कंसोलिडेटेड। दिल्ली के जितने भी अनरजिस्टर्ड है, तो इतना तो बात समझ में आ गई है हमें, जो अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं उनके लिए एक कंसोलिडेट चल जाएगा, कंसोलिडेट चल जाएगा, बट स्टेट वाइज, इट शुड बी स्टेट वाइज। दिल्ली के लिए एक कंसोलिडेटेड, अगर दिल्ली से राजस्थान करा है, सारे ही अनरजिस्टर्ड हैं, अलग से राजस्थान का अलग कंसोलिडेटेड, ठीक है। लेट से आई और जे दो लोग और थे, ये बिलोंग करते हैं यूपी को, ठीक है, ये यूपी उत्तर प्रदेश से हैं ये दोनों, तो इनके लिए ये भी अनरजिस्टर्ड थे, इनके लिए अलग से एक कंसोलिडेटेड। दैट इज बहुत सिंपल सी बातें हैं, अनरजिस्टर्ड के लिए कंसोलिडेटेड होता है बट स्टेट वाइज। तो दिल्ली के अनरजिस्टर्ड के लिए एक कंसोलिडेटेड, राजस्थान के लिए एक कंसोलिडेटेड, यूपी के लिए एक कंसोलिडेट इनवॉइस ये इशू करेंगे। देंगे नहीं किसी को कंसोलिडेट वाला, अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब लास्ट बात है और करनी है और ये खत्म हो जाएगा। लेट से अब 4 लोग थे या 3 लोग थे, एक्स वाई और जेड, 3 लोग थे एक्स वाई और जेड, और ये तीनों ही लेट से ये हैं, कहाँ से ले लूँ मैं, तमिलनाडु से, ठीक है। एक्स वाई और जेड ये तीनों ही तमिलनाडु से हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड तमिलनाडु से हैं, ये तीनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, ये तीनों ही रजिस्टर्ड हैं, एक्स अलग है, वाई अलग है, जेड अलग है, तीनों ही अनरजिस्टर्ड हैं। बट ये जो एक्स है, इसने जो चीज़ें खरीदी थी, लेट से इसने चीज़ें खरीदी थी 2,50,000 से ज़्यादा की, एक्सीडिंग 2,50,000, ठीक है, इसने कोई ट्रांजेक्शन करी थी विच इज एक्सीडिंग 2.5 लाख, ठीक है। दूसरी तरफ वाई और जेड भी अनरजिस्टर्ड थे, तीनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, तीनों ही तमिलनाडु से हैं, क्या हम इनके लिए एक कंसोलिडेट बना सकते हैं? नहीं। लॉ ने लिखा अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और किसी भी रेसिपिएंट का कोई भी ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए अलग से रिवाइज्ड इनवॉइस बनाना, ठीक है। तो इस केस में हमें एक्स के लिए, बिकॉज वो 2.5 लाख से ज्यादा है, उसके लिए अलग से रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और वाई और जेड के लिए तमिलनाडु से थे ऑल्दो तीनों, बट वाई और जेड का कंसोलिडेटेड दिखा दीजिए, बट एक्स का, क्योंकि इसकी कोई भी एक ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से ज्यादा थी, 2.5 लाख सर एग्रीगेट, अगर एक्स ने करी है परचेजेस 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख हो गया, नहीं बेटा एग्रीगेट नहीं देखना, कोई भी एनी सेपरेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, अगर 1 लाख 1 लाख 1 लाख है तो नहीं देखना बेटा, कोई सेपरेट ट्रांजेक्शन, कोई भी एक ट्रांजेक्शन अगर 2.5 लाख से एक्सीड हो गई थी, तो फिर अब एक्स को आप सेपरेट रिवाइज्ड इनवॉइस बनाइए, वाई और जेड के लिए दोनों के लिए, या कोई और भी होता बट वो 2.5 लाख से कम वाले होते, उनके लिए तो हम लोग कर देंगे कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। समझ गए? एक बार दोबारा से रिपीट करूं, ओके। हम लोग पढ़ रहे थे रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? सर जब हमें सर्टिफिकेट तो बाद में मिलता है, बट हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से मान लिया जाता है, इस पीरियड में हम लोग रिवाइज इनवॉइस इशू करते हैं।
हम देखो देखते हैं कि जो हमारा टाइम लैग है, जितना भी हमारा टाइम पीरियड है, जितनी भी हमने सप्लाई की थी, उसमें कितने लोग रजिस्टर्ड रेसिपिएंट थे। रजिस्टर्ड वालों को सबको अलग अलग रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे देना, उनको दे देना, ठीक है, उनको चाहिए। बट जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई की है, हर स्टेट के लिए एक अलग कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दीजिए, किसी को देना नहीं है, अपने पास रखिए। जो आपने दिल्ली में सप्लाई करी है, सर दिल्ली में वो 2.5 लाख देखना है? नहीं बेटा, वो 2.5 लाख इंटर स्टेट में देखना है। दिल्ली में अगर 2.5 से ज्यादा भी है ना, आप पूरा एक ही कंसोलिडेटेड इनवॉइस देना। तो दिल्ली में अगर कोई भी थे व्यक्ति, ठीक है, तो इन सबको एक ही देना है। राजस्थान में जो भी थे उन सबको एक ही देना है, यूपी में जो भी थे सबको एक ही देना है। बट तमिलनाडु में एक्स वाई जेड तीन अनरजिस्टर्ड थे, क्या सर एक कंसोलिडेट दे सकते हैं? सर वहां पर ना एक बंदा आ गया जिसकी कोई भी एक ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से ऊपर थी, उस व्यक्ति को आप अलग अलग रिवाइज इनवॉइस दीजिए, बाकी सबको एक कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड दिस। लिखा हुआ है, द रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू अ कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाइज मेड टू रेसिपिएंट हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। नॉट रजिस्टर्ड मतलब अनरजिस्टर्ड, ठीक है, साफ साफ लिख दिया ना, नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, यानी कि अनरजिस्टर्ड। हम अनरजिस्टर्ड को कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस दे सकते हैं, बट प्लीज वहां पर लिखिएगा स्टेट वाइज, प्लीज वहां पर लिखिए स्टेट वाइज, ठीक है। स्टेट वाइज क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में हमें वो 2.5 लाख की लिमिट देखनी है। सर इंटर स्टेट में वहां पे कोई 2.5 की जरूरत नहीं है, आप एक ही कंसोलिडेटेड दे सकते हैं। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो फिर एक ही कंसोलिडेट चल जाएगा, ठीक है। जैसे यूपी में, राजस्थान में 2.5 लाख से ज्यादा नहीं थी तो एक ही चल जाएगा, बट अगर कहीं पर 2.5 लाख से ज्यादा हो तो फिर सेपरेट चलेगा। तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो अ कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस मे बी इशूड सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द रेसिपिएंट लोकेटेड इन अ स्टेट। अगर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो सभी के लिए, फॉर टू ऑल द रेसिपिएंट, ऑल द रेसिपिएंट साफ साफ लिख दिया वहां पर, ठीक है, दोबारा मार्क करूं, ऑल द रेसिपिएंट, ठीक है, रेड में, ठीक है, क्रिम्सन रेड में मैंने मार्क कर दिया, ऑल द रेसिपिएंट को एक ही दे सकते हो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से ज्यादा की नहीं है। बट इफ एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन एक्स, वहां पर लिखो, इफ एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन इज मोर देन 2.5 लाख, इज मोर देन, मोर है, ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा, इफ एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज मोर देन 2.5 लाख, देन सेपरेट रिवाइज्ड, नो कंसोलिडेटेड। तो उसको सेपरेट रिवाइज करिए, बाकी लोगों को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो हमारे तमिलनाडु वाले केस में एक्स, वाई और जेड थे, तीनों ही रिसीवर थे, अनरजिस्टर्ड थे, बट एक्स की कोई भी एक ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से ज्यादा की हो गई थी, उसके लिए अलग से जाएगा, और बाकी सबके लिए तो कंसोलिडेटेड चला जाएगा। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है, सबको ये बातें समझ में आ गई हैं।